और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की चंडीगढ़ से, केंद्र हरियाणा सरकार के बीच एमओयू, ये बड़ी जानकारी। सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। ठोस कचरे से टोरीफाइड चारकोल प्लांट को लेकर एमओयू हुआ है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित होगा ये प्लांट, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा, ये जानकारी है। तो एमओयू करार हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच ये एमओयू करार हुआ है। सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। ठोस कचरे से टोरीफाइड का चारकोल प्लांट को लेकर ये एमओयू हुआ है, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद में इसे स्थापित किया जाएगा। प्लांट जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित होगा, ये जानकारी है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्र हरियाणा सरकार के बीच एमओयू हुआ है, जिसमें सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रही। तो केंद्र हरियाणा सरकार के बीच एमओयू हुआ है, सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रही। ठोस कचरे से टोरीफाइड चारकोल प्लांट को लेकर एमओयू हुआ है, और ये प्लांट जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। साहिल रुखाया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, ये जो एमओयू हुआ है केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल, केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच आज एमओयू साइन हुआ है, और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और इसके अलावा जो ज्वेल भी मिनिस्टर है सुभाष सुधा, वो भी मौजूद रहे। हरियाणा निवास भी कार्यक्रम जो है वो किया गया, और ठोस कचरे से टेरिफाइड चारकोल प्लांट निर्माण को लेकर ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है, और गुरुग्राम फरीदा में ये जो टेरिफाइड चारकोल प्लांट जो है वो स्थापित होगा। इस दौरान जो है एनटीपीसी व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच जो एमओयू साइन हुआ है, तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर दोनों शहरों में सेटअप जो है वो किया जाएगा, और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल, और इस प्लांट के लगने के बाद से क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे साहिल? बिल्कुल, जिस तरीके से कचरे को लेकर लगातार जो है कूड़े के ढेर को लेकर लगातार जो है गुरुग्राम और फरीदाबाद से जो खबरें आती है, उसको कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में आज एमओयू साइन हुआ है, और जल्द ही इसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता